हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल इन दिस वीडियो वी विल भी सॉल्विंग सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंसिएशन कॉन्सेप्ट फॉर रिविजन पार्ट वी विल भी कवरिंग सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आए थे या जो इम्पोर्टेंट एनसीआर टी के एक्सरसाइज क्वेश्चन है सो बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने लास्ट लेक्चर में लॉगैथमिक डिफ्रेंसिएशन पढ़ा था कि उसका कैसे क्यों यूज होता है कौन कौन सी सिचुएशन में हम लॉगैथमिक डिफ्रेंसिएशन का यूज करते हैं और इसका यूज कैसे होता है और हमने कुछ एग्जाम्पल्स लेके सॉल्व किया था सो बिफोर प्रोसीडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको वही दोबारा तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताना चाहती हूँ कि लॉगैथमिक डिफ्रेंसिएशन का यूज कैसे होता है फर्स्ट स्टेप जो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप था कि जब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ लॉग एट में डिफरेंशिएशन द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज कि हमें लॉग लेना होता है बोथ साइड आर एच एस और एल एच एस एंड आर एच एस साइड हमें लॉग लेना होता है द सेकेंड पार्ट इज वी नीड टू चेक कि कोई भी लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है टू सिंपलीफाई द एक्सप्रेशन अगर येस तो यूज दोज लॉग प्रॉपर्टी एंड द थर्ड पार्ट इज दैट वी नीड टू डिफरेंशिएट द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओके okay. सो so, अब हम स्टार्ट करते हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें एक्सप्रेशन गिवन है कि वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स और हमें इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो फर्स्ट स्टेप क्या था टेकिंग लॉग बोथ साइड्स सो हम लॉग लेते हैं बोथ साइड टेकिंग लॉग बोथ साइड्स तो क्या आया हमारा लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स ओके सेकेंड स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि हमें चेक करने की कोई लॉग की प्रॉपर्टी तो नहीं लग रही तो आप देख सकते हो कि लॉग के अंदर हमारे पास मल्टीपल वैल्यू मल्टीपल एक्सप्रेशन है लॉग एम इंटू एन की प्रॉपर्टी होती थी हमारी लॉग एम प्लस लॉग ए तो वो लगा देते हैं तो हुआ लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस टू एक्स प्लस लॉग कॉस थ्री एक्स ओके ये हुआ अब हमें क्या करना है? हमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो कर देते हैं लॉग वाई का डिफ्रेंसिएशन इज वन बाय वाई और वाई का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज डी वाई बाय डी एक्स ओके सेकेंड देखते हैं लॉग कॉस एक्स का वन बाय कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन लॉग हटा देंगे कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन इज माइनस साइन एक्स सिमिलरली यहां पर प्लस लॉग कॉस टू का एक्स का होगा वन बाय कॉस टू एक्स लॉग भूल जाओ कॉस टू एक्स का हुआ माइनस साइन टू एक्स और टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन भी करेंगे इंटू टू नेक्स्ट प्लस वन लॉग का कॉस थ्री एक्स वन बाय कॉस थ्री एक्स हुआ लॉग भूल जाओ कॉस थ्री एक्स का इज माइनस साइन थ्री एक्स साइन भी हो गया कॉस का भी यूज हो गया अब थ्री एक्स का इंटू थ्री ये हमने चेन रूल यूज किया अब कर दो वन बाय वाय डी वाई बाय डी एक्स आप देख सकते हो माइनस साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स बन रहे हैं तो साइन अपॉन कॉज होता है टैन तो लगा देंगे माइनस टैन एक्स माइनस टू टैन टू एक्स माइनस थ्री टैन थ्री एक्स तो ये हो गया हमारा अब वाई को ऊपर लेके चले जाएंगे तो डी वाई बाय डी एक्स आया हमारा वाई माइनस कर देते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं टेन एक्स प्लस टू टैन टू एक्स प्लस थ्री tan 3x अब y की जगह वो पुट कर दो जो हम एक्सप्रेशन में गिवन था कॉस x वाला जो था तो dy वाई बाय आया कॉस x इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स और ये माइनस भी है यहां और अंदर इक्वेशन में लगा दोन एक्स प्लस टू टैन टू एक्स प्लस थ्री टैन थ्री एक्स तो ये आ गया हमारा डीवाई बाई डी एक्स सो हमारा सॉल्व हो गया तो वही बस तीन स्टेप्स आपको याद रखने और इजीली डिफ्रेंशिएट कर देना अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y की हमें दो वैल्यूज के बना हमें फाइंड करना है हैं डीवाई बाई डी एक्स तो हम इजीली क्या करते हैं इजी तरीका है कि हमें दो पार्ट के बने तो हम पहले पार्ट को एज यू कंसिडर करते हैं और दूसरे पार्ट को एज वी कंसिडर करते हैं ठीक है तो क्या है हमारे पास y जो है वो इक्वल टू यू प्लस वी है तो अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो हमें क्या निकालना है डीवाई बाई डीएक्स और वो क्या होगा डी यू बाई डीएक्स निकाल लेंगे पहले हम प्लस डीवाई बाय डीएक्स तो हमारा डीवाई बाई डीएक्स निकल जाएगा तो हम पहले निकालते हैं डी यू बाई डीएक्स ओके यू एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है x प्लस वन बाय एक्स की होल पावर x ओके अब सबसे सब पहले स्टेप टेकिंग लॉग बोथ साइड लॉग यू इज इक्वल टू अब देखो मैं यहाँ लॉग लगाऊंगी थोड़ा स्टेप्स को ना हम जल्दी करने के लिए मतलब कम करने के लिए मैं आपको बेसिक बेसिक बता देती हूँ जल्दी से कर लेंगे क्या यहाँ पे लॉग लगेगा तो लॉग एक्स प्लस वन एक्स की होल की पावर एक्स मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी लॉग एम की पावर एन की प्रॉपर्टी होती है एन जो होता है हमारा पावर में वो नीचे आ जाता है तो एन लॉग एम हो जाता है सिमिलरली एक्स नीचे आ जाएगा एक्स लॉग एक्स प्लस वन बाय एक्स ये हमारा इक्वेशन बन जाएगी अब कुछ नहीं करना हमें वो निकालना है प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट रूल में क्या होता था हमारा प्रोडक्ट रूल में हम एक एक्सप्रेशन को यू ले लेते थे इसको हम यू लेते हैं इसको वी ले लेते हैं ठीक है तो पहले करते हैं लॉग यू का निकालते हैं पहले वन बायू डी यू बाय डी एक्स तो हमारा ये निकल गया लॉग यू का प्रोडक्ट रूल लगाते हैं प्रोडक्ट रूल में क्या होता था पहले फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट का एक्स का डेरिवेटिव वन है तो लॉग एज इट इज लिख देते है वी वाला ठीक है अब x को एज इट इज रखते थे u को a v का डिफ्रेंसिएशन तो इसका डिफरेंसिएशन क्या होगा लॉग एक्स जाएगा पहले वन अपॉन x प्लस वन बाय एक्स हो जाएगा इन टू भी होगा इसका भी डिफरेंसिएशन होगा x का डिफ्रेंसिएशन इज वन और वन बाय एक्स का डिफरेंसिएशन इज माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर ये कैसे हुआ x की पावर माइनस वन हो जाएगी ऊपर जाके x की पावर माइनस वन होगी तो हमारा वो वाली x की पावर n वाली आइडेंटिटी लग जाएगी माइनस वन एक्स माइनस वन माइनस टू माइनस वन एक्स की पावर माइनस टू तो माइनस वन वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर ठीक है ये हुआ हमारा तो ले लो अब वन बायू डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वन बाय एक्स लिख देंगे ठीक है प्लस एक्स है अब आप देखो यहां पे एलसीएम लो एलसीएम लोगे x की तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा तो x ऊपर चला जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और इसमें एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर की एलसीएम आएगी और एक्सक्वायर ऊपर चला जाएगा तो एक्स स्क्र इंटू यहां लिख देती हूँ एक्स स्क्र माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ठीक है ये हो जाएगा अब एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा तो यहां वाला एक्स स्क् कैंसिल हो जाएगा यहां लिखते हैं तो हमारे पास आया वन बाय डी यू बाय डी एक्स Is equal to log x plus one x, ये तो डीयू तो तो बा हमारे पास एक मिनट इसको क्या करना है हमने जब ये स्टेप किया ना कि हमारा डी बाई बाय डीएक्स जो है इसको तुम वन लेट कर देना ठीक है अब हम डी यू बाय डीएक्स निकाल रहे हैं ना तो डी यू बाई डीएक्स हमारे पास यू हम जब ऊपर लेके जाएंगे तो हमारी u की वैल्यू आएगी x प्लस वन बाय एक्स की होल की पावर x और जो हमारा यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्स प्लस लॉग एक्स प्लस वन बाय एक्स ये हमारा du यू बाय डी आ गया ठीक है अब इसको हम a लेट मान लेते हैं अब हमें v निकालना है v हमें गिवन है x की पावर x प्लस वन बाय एक्स है ठीक है अब हम v निकालते हैं तो लॉग ले लेते हैं बोथ साइड तो क्या आया लॉग वी इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय एक्स ये नीचे आ जाएगा और लॉग एक्स ठीक है वही सेम प्रॉपर्टी लगेगी लॉग एम की पावर एन वाली अब कर लो डिफ्रेंशिएट वन बाय वी डी वी बाय डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे अब इसका पहले डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे एक्स प्लस वन बाय एक्स का एक्स का होता है हमारा वन और वन बाय एक्स का हमने ही लिया माइनस वन बाय एक्स को है, तो माइनस वन बाय एक्स को लॉग एक्स को एज इट इज रख दो अब प्लस इसको एज एट इज रख दो एक्स प्लस वन बाय एक्स को और लॉग एक्स का इज वन बाय एक्स ठीक है अब हम वी को सीधा उधर ले जाते हैं तो डी वाय बाय डी एक्स आया हमारे पास वी की वैल्यू थी एक्स की पावर एक्स प्लस वन बाय एक्स यहां पर आया हम इस वाली ढंग को पहले ले लेते हैं वन बाय एक्स एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स और इसको हम बी ले लेते हैं तो हमारा डी यू बाई डी एक्स और डीवी बाई डीएक्स आ गया अब पुट कर देंगे हम ए और बी को इन वन जो हमारा डीवाई बाई डीएक्स की वैल्यू थी तो पुट ए एंड बी इन वन जो हमने वन लिया था तो पुट कर दो कुछ नहीं करना डीवाई बाई डीएक्स इज इक्वल टू पुट कर देना सिंपली जो मैंने निकाली ना यहाँ पे हम लोगों ने x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू मैं लिख देती हूँ x प्लस वन बाय एक्स का होल x एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्स वन प्लस लॉग एक्स प्लस वन बाय एक्स ये हमारा डी यू बाई डी एक्स निकला था बस प्लस कर देना x, वी निकला था वन बाय एक्स वन बाय एक्स एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस वन बाय एक्स स्क्वाइनस वन बाय एक्स स्क्वायर लॉग एक्स ये आया है हमारा डीवाई बाई डीएक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अभी मैं सोल्व करी तो आपको थोड़ा कॉम्प्लीकेटेड लग रहा होगा बिल्कुल नहीं है आप बस लॉग लगाओ बोथ साइड्स और बेसिक प्रॉपर्टीज जो है लॉग की वो करके उसको सिंपली डिफ्रेंशिएट कर दो बहुत ईजी है बस प्रोडक्ट रूल और चेन रूल अप्लाई हो रहे हैं हमारे और कुछ मुश्किल नहीं है अब थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हमें डीवाई बाई डीएक्स निकालना है जब हमारे पास वाई की वैल्यू है एक्स की पावर कॉस एक्स ठीक है हमें y की पावर x y की y इज इक्वल टू एक्स की पावर cos x गिवन है लॉग ले लेते हैं बोथ साइड तो लॉग लेंगे तो क्या आएगा लॉग y इज इक्वल टू cos x नीचे आ जाएगा cos x x log x तो ये हमारे पास आइट है अब हमें क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है इसको क्या करते हैं हम इसको हम ऐसे लिख देते हैं हम ऐसे लिखते हैं हम तुम आप लोग ऐसे भी कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है थोड़ा इजी करने के लिए मैं एक्स को पहले लिख देती हूँ एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स तो इसमें मैं क्या करूंगी इसमें मैं ना एक्स को एक टर्म ले रही हूं एज यू और दूसरी को मैं एज वी ले रही हूं और मैं प्रोडक्ट रूल लगा दूंगी आप ऐसे भी कर सकते हो आप एक्स कॉस एक्स को एक टर्म ले लो और लॉग एक्स को अलग ले लो तो आप कोई भी तरीका कर सकते हो मैंने x को एज अ एक सिंगल टर्म इसलिए लिया क्योंकि जब मैं फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करूंगी x का डेरिवेटिव निकाल तो वो वन आएगा तो सिंपली cos x log x हम एज इट इज लिख देंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा बाकी आप कैसे भी कर सकते हो कोई मुश्किल नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें अब डिफ्रेंसियशन निकालते हैं लॉग बाई का होता है वन बाय वाई वाई का होगा डीवाई बाय डी एक्स प्रोडक्ट टू ले लो फर्स्ट का डेरिवेटिव इज वन तो कॉस एक्स लॉग एक्स एज इट इज आ जाएगा प्लस यू को एज इट इज रख दो एक्स और वी का डिफ्रेंसिएशन अब इसमें अलग से प्रोडक्ट टू लगेगा एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं तो कॉस एक्स लॉग एक्स का पहले का डेरिवेटिव लेंगे कॉस एक्स का इस डेरेवेटिव इज माइनस साइनएक्स तो माइनस साइन एक्स लिखा और लॉग एक्स एज इट इज प्लस कॉस एक्स को एज इट इज लिख दो और लॉग एक्स का इस वन बाय एक्स तो एक्स अब खोल दो वन बाय वाय डीवाई बाई डी एक्स आया कॉस एक्स लॉग एक्स माइनस क्योंकि यहां पे माइनस है माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स ठीक है प्लस एक्स एक्स यहां पे सेकंड टर्म तो में कट जाएगा तो कॉस एक्स तो ये आया हमारा वन बाय वाय डीवाई बाई डी एक्स अब वाई को तो इधर ले जाते हैं ठीक है तो क्या आया डी डीवाई बाय एक्स आया वाई कॉस एक्स लॉग एक्स आया था माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स आया था और एक कॉस एक्स की डॉम आई थी ठीक है अब वाई पुट कर दो डी डीवाई बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स और कॉस एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स तो ये हमारा आंसर आ गया अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ वाला वो थोड़ा अलग है बट मुश्किल नहीं है सेम तरीका ही है बट थोड़ा अलग से दिया हुआ है इसमें हमें एक्सप्रेशन के साथ इसमें हमारे पास जो, जो हमने बाकी क्वेश्चन सोल्व किया उसमें हमें y के साथ एक्सप्रेशन गिवन था x के टर्म्स में तो वो हमारे बेसिकली एक्सप्लिसिट फंक्शन थे सारे अभी जो है हमारा वो इम्प्लेसिड फंक्शन आप देख सकते हो लास्ट हमने कुछ लेक्चर्स में इम्प्लेसिड फंक्शन की डेरिवेटिव निकाल भी देखा था कुछ मुश्किल नहीं होता उसमें ये होता है कि X और वाई जो होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं पहला ये होता था एक्सप्लिस कम्बाइंड होते, right होते, होते, है, होते हैं अब हम निकालते हैं इसका इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमें क्या करना है हम क्या करते हैं पहली वाली टर्म को एज यू कंसिडर करते हैं दूसरी वाली टर्म को एज वी कंसिडर करते हैं तो अब हम इन दोनों को हम क्या करते हैं हम डिफरेंशिएट कर देते हैं पूरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स तो क्या आया हमारा डीयू बाई डीएक्स प्लस डीवी बाई डीएक्स और वन जो है हमारा कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमें पता है जीरो होता है तो इसको हम वन ले, ले लेते हैं हमें निकालना डीवाई बाई डीएक्स है ये मत भूलना ठीक है तो पहले हम डीयू बाई डीएक्स निकालते हैं फिर डीवाई बाई डीएक्स निकालेंगे उसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं ठीक है तो करते हैं पहले हम लेते हैं u को u है हमारे पास x की पावर y तो लॉग ले लो बोथ साइड लॉग u इज इक्वल टू वाई इधर आ जाएगा y लॉग x ठीक है अब निकाल लेते हैं डिफ्रेंसिएशन प्रोडक्ट रूल लगेगा देख के पता चल रहा है तो करते हैं लॉग u का होता है वन बाय यू, यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी यू बाय डी एक्स अब y का डिफरेंसिएशन पहले करेंगे y का डिफरेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज डी वाई बाय डी एक्स और लॉग x एज इट इज लिख देंगे प्लस वाई को एज इट इज लिखेंगे और लॉग एक्स का वाई बाय एक्स ठीक है अब डी यू बाई डीएक्स आया हमारे पास हम यू को आरएचएस में लेके जा रहे हैं तो आरएचएस में हम यू को लेके जा रहे हैं यू की वैल्यू है एक्स की पावर वाई तो डी यू डी वाई बाय डीएक्स लॉग एक्स प्लस वाई बाय एक्स हम इसको ऐसे भी रख छोड़ सकते हैं बट आप देखो कि हमारे यहाँ पे एक्स की पावर वाई है और डिनोमिनेटर में हमारा एक्स है तो हम यहाँ पे एलसीएम लेके एक्स को ऊपर नहीं लेके जा सकते क्योंकि अगर एलसीएम लेंगे और ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स की पावर माइनस वन हो जाएगी तो एक्स की पावर वाई इंटू एक्स की पावर माइनस वन तो हमें पता ही है हमें बेसिक एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज तो हम इसको डायरेक्ट एक्स की पावर वाई माइनस वन लिख देंगे तो ऐसे कर लेते हैं तो क्या आएगा हमारा डी यू बाय डीएक्स डीयू बाय डीएक्स इज एक्स की पावर वाई माइनस वन हो जाएगा और यहाँ एलसीएम लेंगे तो एक्स आ जाएगा एक साथ तो एक्स इंटू लॉग एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई ठीक है ये हमारी एक टर्म बनी इसको हम वन ले ए ले लेते हैं ठीक है अब हमें वी निकालना है वी है हमारे पास वाई की पावर एक्स तो लॉग ले लो लॉग वी इज इक्वल टू एक्स लॉग वाई ठीक है ये वो आप डिफरेंट डिफ्रेंशिएट कर देते हैं वन बाय वी डी वाई डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव इज वन तो लॉग वाई एज इट इज प्लस एक्स को एज इट इज रखेंगे एक्स बाय वाई और डीवाई बाई डी एक्स ठीक है अब वन बाय वी डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस एक्स बाय वाई डीवाई बाय डी एक्स ठीक है अब हम y का एल्सियम ले लेते ले हैं तो y का एल्सियम लेंगे तो y ऊपर तो आ जाएगा log y प्लस एक्स डीवाई बाय डी एक्स ये पूरा एल्सियम है अब v को ऊपर ले लेते हैं तो डी वी बाय डी एक्स वी की वैल्यू क्या हमारी y बाय एक्स तो y बाय एक्स माइनस वन हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा y log y प्लस एक्स डीवी बाई बाय डी एक्स तो हमारा बी हो गया है अब हमारे डी यू बाई डी एक्स निकल गया डीवी बाई डीएक्स निकल गया तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो पुट ए एंड बी इन वन पुट कर देंगे तो क्या आएगा पुट कर दो एक्स की पावर वाई लॉग एक्स आ रहा है डीवी बाय डीएक्स डी वाई बाय डी एक्स दी प्लस वाई इंटू एक्स की पावर वाई माइनस वन प्लस वाई की पावर एक्स लॉग वाई प्लस वाई एक्स की पावर माइनस वन एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू जीरो तो ये चार टर्म्स आई हमारे पास अब dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक साइड रखो और बाकी टर्म्स को उस साइड ले जाते हैं आर एच एस में तो निकालते हैं एक्स की पावर वाई लॉग एक्स प्लस वाई की पावर एक्स माइनस वन एक्स एक साथ डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेते हैं एक्स की पावर वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस वाई की पावर एक्स लॉग वाई ये आया अब इसको इधर ले जाओ नीचे तो आया हमारे पास dy बाय डी एक्स माइनस एक्स की पावर वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस वाई की पावर एक्स लॉग वाई अपॉन की पावर y log x प्लस वाई की पावर एक्स माइनस वन इन टू एक्स तो ये आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स कॉम्प्लीकेटेड कुछ नहीं है अब आप एक एक स्टेप करके करोगे ना बहुत ईजी हो जाएगा सो दीज वर फोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे लॉगैथमिक डिफेंसिएशन के टॉपिक में आते हैं इसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन आते हैं सो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन सो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड Don't forget to subscribe to the channel in case you haven't done it yet, and please like the video. Thank you.